आज आपको लेकर आए हैं एक खास और स्पेशल शॉप में, जहां आपको आपका मनोरंजन के लिए एक स्पेशल दुकान है, शॉप है। ये यहां आपको मिल जाएगा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल जितना जो सामान होता है, जैसे कि ये है, देखिए इसको हम पूछेंगे तो बहुत सारा यहाँ मिलता है, मैंने एक से एक मैंने क्वालिटी का गिटार से लेकर बहुत सारा सामान मिलता है। तो हमको मेरा खुद का खुद बहुत मैंने हॉबी है, शौक है, तो हम सोचे कि भैया से एक बार बात करेंगे। तो एक दिन आए थे तो उस दिन सर नहीं थे, तो अभी आज मौका मिल गया है और थोड़ा क्लाइंट भी था, इसलिए हम उतना टाइम का ले नहीं पा रहे थे। तो अभी थोड़ा फ्री है तो बात करने का अभी उनसे पूछेंगे कि सर का नाम, दुकान का नाम कहाँ है, लोकेशन, फ़ोन नंबर वगैरह, और क्या क्या सामान है, कैसे कैसे प्राइस का। सामान मिलता है, कैसा क्या प्राइस का होता है, और यहाँ आने के लिए कैसे आना पड़ेगा, हावड़ा, सियालदा, धमतला से कैसे आइएगा। तो यूनिक सामान है, हम बहुत देर से इनका देख रहे थे, बहुत यूनिक यूनिक है, बहुत सारा आइटम को तो मेरा नॉलेज भी नहीं है। तो सर से अभी हम पूछेंगे सर का नाम और उनका क्या क्या बेचते नहीं है। सर नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम है कलीम। अच्छा कलीम, अच्छा आपका दुकान का नाम? म्यूजिक पार्क। म्यूजिक पार्क, ये आपका लोकेशन थोड़ा? लोकेशन है 12 रविंद्र सरोनी। अच्छा, ऑपोजिट लाल बाजार स्टेशन। अच्छा, पुलिस स्टेशन ऑपोजिट लाल बाजार पुलिस स्टेशन। ऐसे ही आपको हम प्राइम यहाँ का जो लाइव करंट लोकेशन है हम शेयर कर देंगे, फिर भी इनका इसका इनका मुंह से हम आपको जानकारी देने के लिए हम कोशिश किए। अभी सर आप बताइए, आप क्या क्या में डील करते हैं? एक्चुअली हम लोग डील करते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एग्जाम्पल ड्रम्स, वायलिन, यूकेलेले, गिटार, सिंथेसाइजर, जितना भी टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इम्पोर्टेड और इंडियन दोनों? इम्पोर्टेड और इंडियन दोनों। इम्पोर्टेड मतलब कहाँ, कौन कौन देश का आता है आपका? मेड इन चाइना का आता है, मेड इन इंडोनेशिया का, वियतनाम। अच्छा, मेड इन यूएसए, जर्मन। अच्छा, अभी तक आपका सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन से मतलब कंट्री का लगा कि वहाँ का प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है? तो मेड इन यूएसए का, मेड इन यूएसए का बेस्ट होता है। तो सर ये जो है, ये तो हम लोग डुगी तबला ही बोलेंगे नॉर्मल, इसको अफ्रीकन जैम्बे बोलते हैं। अफ्रीकन जैम्बे बोलते हैं। इसका स्टार्टिंग प्राइस क्या होता है सर? इसका स्टार्टिंग प्राइस बताइए। 3000 से स्टार्टिंग। 3000 से स्टार्टिंग है, और ये तो गिटार है, ये सबको मालूम है। ये स्टार्टिंग प्राइस इसका क्या होता है सर? स्टार्टिंग आपका 3500। ये इंडियन इंडियन प्रोडक्ट है? इंडियन प्रोडक्ट आपका 3000 से स्टार्टिंग है। 3000 से इम्पोर्टेड आपका 6500 से प्राइस ये है। ये हो गया अफ्रीकन जम्बो, ये गिटार हो गया, और क्या क्या आपके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है? जैसे अभी अभी ये सब, हाँ अभी आप बताइए क्या क्या और मिलता है, जैसे कि इसको क्या बोला जाता है? ये गिटार का प्रोसेसर होता है वो। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सब सारे वैरायटी जो है, ये सब गिटार का टेक्निकल सामान है। अच्छा, ये आपका गिटार का जो केयर यूनिट बोलता है। अच्छा, पॉलिश और वो वॉक्स, ठीक है। अच्छा, गिटार को मेंटेनेंस ठीक ठाक रखने के लिए, हाँ, ये पिकअप होता है, ये थोड़ा हेडफोन से, ये अपना पैडल्स जो होता है कीबोर्ड के लिए, ये अडैप्टर वगैरह, ये जो आपका ये सब जो सामान है, मोटा मोटी जो प्रोसेसर वगैरह है, इसका स्टार्टिंग प्राइस?
इसका स्टार्टिंग आपका 9000 से स्टार्टिंग, 9000 से स्टार्टिंग है। और वॉश करने वाला, मेंटेनेंस करने, 400-450। अच्छा, वो उसमें ज्यादा मैंने प्राइस नहीं है। और क्या क्या सामान ये पर्कशन आइटम्स कुछ है? अच्छा, टैम्बोरिन्स। अच्छा, ये नैनो एम्प जो बोलता है, ये माइक्रोफोन होता है। अच्छा ठीक है, ये स्ट्रिंग्स अपना एक्सेसरीज में जितना भी जितना एक्सेसरीज भी मिल जाएगा, मतलब कुछ रिपेयरिंग करने का रहेगा तो यहीं से आपको मिल जाएगा। हाँ, कैपो स्ट्रिंग्स। अच्छा, ये केबल्स। अच्छा, ये केबल्स भी मिल जाएगा। ये आपका जो ऑर्केस्ट्रा फंक्शन बना करता है उन लोग के लिए भी स्पेशल कुछ आइटम होता है या जो थोड़ा एक्सपेंसिव क्वालिटी का वो लोग लेते हैं? अच्छा अच्छा, वो भी मिल जाएगा ना आपके पास? अब आपके पास अगर आएगा तो पूरा जो ऑर्केस्ट्रा का पूरा सेटअप है पूरा मिल जाएगा। ये काउंस होता है, काउंस। अच्छा, अभी बहुत फेमस है, बहुत अच्छा ज्यादा चल रहा है। अच्छा ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक तबला वगैरह वो। अच्छा है, अच्छा है। वहाँ पर आपका तो सर तो बोल रहे हैं कि उनको उतना म्यूजिक आता नहीं, थोड़ा बहुत गिटार वगैरह बजा लेते हैं, लेकिन उनका जो म्यूजिशियन है आज मेरे बैड लक है कि आज उनको हम भेंट नहीं कर पाए, नहीं तो थोड़ा हम टेस्ट करवा लेते हैं। ये फ्लूट्स है? हाँ, फ्लूट्स है। फ्लूट्स का स्टार्टिंग प्राइस है प्रोफेशनल और सेमी प्रोफेशनल दोनों ही है। अच्छा, इसका स्टार्टिंग प्राइस? तो अभी सर थोड़ा क्लाइंट आ गए थे, थोड़ा बिजी थे, तो सर आप ये इसका क्या प्राइस पड़ेगा? 25,000। इसका क्या ड्रम बोला जाता है ना, फुल 5 पीस ड्रम से फुल किट। अच्छा, 25,000 से स्टार्ट होता है। आज ये हम देख रहे थे सैक्सोफोन, इसका बहुत सारा वैरायटीज होता है या बहुत सारा मॉडल्स होता है? अच्छा, ज्यादा नहीं होता, ब्रांड होता है, ब्रांड होता है। अच्छा, इसका प्राइस स्टार्टिंग प्राइस क्या होता है सैक्सोफोन? 25,000। और डुगी तबला तो मिलता ही है, इसका स्टार्टिंग प्राइस? इसका आपका 4,500 से स्टार्टिंग, 4,500 से स्टार्टिंग है। और ये हारमोनियम तो बहुत सारा ही होता है, उसका उसका भी आपका पास? इसका 12,000। ये हम लोग का इंडियन ही होता है ना, ज़्यादा इंडियन ही होता है। इंडियन जैसे डुगी तबला हारमोनियम ये इंडियन होता है, और ये आपका दिख रहा है आपका गिटार इम्पोर्टेड भी इम्पोर्टेड होता है ज़्यादा, और आपका इंडियन भी होता है। तो इंडियन का थोड़ा सस्ता होता है ना, इंडियन का थोड़ा सस्ता होता है। और स्पेशल कुछ आइटम? अच्छा, ये जो कैसियो वगैरह है इसका क्या प्राइस स्टार्टिंग प्राइस है? ये आपका 5,000 से स्टार्टिंग। अच्छा, ये आपका प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल मतलब ऐसा कुछ स्पेशल है क्या? सभी प्रोफेशनल है, जो महंगा क्वालिटी होता है वो थोड़ा ज्यादा मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, आप बताइए कि अगर किसी को पूरा ऑर्केस्ट्रा का सेटअप लेना है आपसे तो मोटा मोटी कितना उसको बजट के लिए मैंने रेडी होकर आना पड़ेगा? अप्रोक्सीमेट कितना बजट होना चाहिए पूरा? तो डिपेंड करेगा आप कैसा, मोटा मोटी 1-2 लाख ऐसा कुछ मैंने? हाँ हाँ, टोटल सेटअप ले लें आपका 70-80 हज़ार से स्टार्टिंग, मैंने पूरा सेटअप हो सकता है ना। और मोटा मोटी मैक्सिमम जितना आपका बजट रहेगा वो तो अनलिमिटेड है। हाँ, अभी के ज़माने में तो इतना कॉस्टली सामान आ गया कि कहना मुझ। अच्छा, ये इतना क्यूट है छोटा सा, इसका क्या नाम है, क्या प्राइस है? ये है अफ्रीकन जैम्बे, एलपी का है। अच्छा, ये अफ्रीकन है? हाँ, अफ्रीकन जैम्बे इसको बोला था। हाँ, ब्रांड है इसका एलपी। अच्छा, और ये आपका क्या बोला जाता है इसको, ज़ाइलोफोन। हाँ, इसका प्राइस क्या है? 500 रुपीज़ स्टार्ट है। और ऐसे तो आपका ड्रम भी मिलेगा, अभी यहाँ तो जगह है नहीं इसलिए ड्रम यहाँ एक्सपोज नहीं किया गया है। ड्रम भी मिलेगा, ड्रम का स्टिक भी मिल जाएगा, मतलब इंस्ट्रूमेंटल A to Z यहाँ आपको सामान मिल जाएगा। कुछ भी चाहिए सर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, उनका हम नंबर दे दे रहे हैं, उनसे डायरेक्ट पूछ के, और उनका विजिटिंग कार्ड भी हम दिखा दे रहे हैं। आपको जो चाहिए A to Z आपको मिल जाएगा, और ऑल ओवर इंडिया वो डिलीवरी करा देंगे। डिलीवरी चार्जेस जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। आप कहीं से भी हो, आप उनका कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप करके, आप वीडियो कॉलिंग करके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना। और अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं सर, तो उनके साथ ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिलता है। फिर भी सर को बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इनका इतना बिजी शेड्यूल में भी हमको टाइम दिया। और फिर अगर आप लोग का पसंद आया चैनल में मेरा जो अभी जो वीडियो दे रहे हैं, अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर हम और एक बार हम आपको यहाँ लेके आएंगे और दूसरा जगह भी लेके आएंगे। और ये देखिए अभी नया कुछ माल आया यामा कंपनी का, प्रो ब्रांड कंपनी का सामान आ रहा है, इसलिए सर थोड़ा बिजी भी है। और तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल में इतना टाइम आप मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और अभी उनका पास नंबर ले लेंगे, नंबर लेके आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, यहाँ का लाइव करेंट लोकेशन भी दे दिया जाएगा। आप चैनल में बने रहिए और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और
चैनल में नए हैं तो फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आपको बहुत अच्छा अच्छा यूनिक यूनिक जगह लेके जाएंगे, बिजनेस आइडिया भी देंगे और थोड़ा बहुत इंटरटेन भी होना चाहिए। ये तो ये भी बिजनेस का एक पार्ट है। अगर आप अपना एरिया में बिजनेस करना चाहते हो तो यहाँ से लेकर होलसेल लेकर आप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो इलाज चले जाओ।